हम जो परिचर्चा कर रहे हैं वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर, शिक्षा से जुड़ी समस्याओं पर और देश के लिए बेहतरीन एजुकेशन कैसे मिल सके और आम नागरिक के को राहत मिले, पेरेंट्स को राहत मिले, उस तरीके की शिक्षा कैसे आम आदमी तक पहुंच सके और वो महंगी भी ना हो, या हम तो ये भी चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों में इतनी बेहतरीन सुविधाएं दी जाएं कि प्राइवेट स्कूलों की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन कहना ये बहुत आसान है, लेकिन जब सरकारी स्कूलों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, तो इसीलिए आज एक रिक्शा चालक का बच्चा भी, या रिक्शा चालक जो पेरेंट्स है वो भी ये चाहता है कि मेरा बच्चा जो है पब्लिक स्कूल में पढ़े, वो चाहता है। कुछ भेड़ चाल भी है और ये जो महंगी शिक्षा है या प्राइवेट स्कूल हैं ये आम आदमी के लिए बहुत महंगे होते हैं, इनमें महंगी शिक्षा होती है और पेरेंट्स पर तो खर्चे की डबल मार पड़ती है, उसकी जेब अलाउ नहीं करती। लेकिन उसके बावजूद एक ट्यूशन की बीमारी जो है पिछले वर्षों से भयंकर रूप धारण कर चुकी है। वो ट्यूशन की बीमारी जो है ना तो बच्चों की सेहत के लिए ठीक है, ना ही उनके बौद्धिक स्तर के लिए ठीक है, और ना ही वो पेरेंट्स की जेब के लिए ठीक है। उनकी जेब पर जो है दोहरी मार पड़ती है। पहले कई घंटे कोई भी बच्चा सुबह उठकर दोपहर तक या दोपहर के बाद तक शिक्षा के लिए इसके लिए स्कूल में जाता है, कई घंटे स्कूल में पढ़ता है, और जैसे ही वो घर आता है खाना उना खाएगा, आराम करे या ना करे, उसको फिर ट्यूशन के लिए भेज दिया जाता है। ये ट्यूशन कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, क्या वाकई में इसकी आवश्यकता है, या ये भी जो है शिक्षा की दुकानों का एक हिस्सा है कि भाई स्कूलों में नहीं पढ़ाओ, कई स्कूलों में उन्हीं स्कूलों के बच्चे जहां बच्चे पढ़ते हैं उन्हीं को ट्यूशन के लिए, मतलब पेरेंट्स को कहा जाता है कि भाई आप अपने बच्चों को हमारे पास भेजिए ट्यूशन के लिए, वरना ये अच्छे नंबरों में पास नहीं हो पाएगा और ये स्कूल में बढ़िया नहीं कर रहा है, इसके टेस्ट में नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो माँ बाप क्या करे, करते भाई वो तो बच्चे को जब वो पैसा खर्च कर रहा तो ये भी चाहेगा कि वो पास हो, अच्छे मार्क्स से पास हो। लेकिन ये कितना ज़रूरी है, इस मुद्दे पर भी हम शिक्षाविद ऋषिपाल चौहान जी से जानना चाहेंगे कि ये ट्यूशन की जो बीमारी है क्या असल में बीमारी है, क्या ज़रूरी है, या एक धंधा बना लिया गया है। ये ट्यूशन की से माँ बाप को कैसे मुक्ति मिले, बच्चों को कैसे मुक्ति मिले, बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है, पहले इतने घंटे स्कूल में पढ़ना, फिर होमवर्क करना, फिर ट्यूशन पे जाना, फिर ट्यूशन का भी होमवर्क करना, उनकी रेल बनी रहती है। इस बीमारी को आप कैसे देखते हैं और इससे कैसे जो है पेरेंट्स को और बच्चों को मुक्ति मिल सकती है? नमस्कार दर्शकों, देखिए मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि बच्चा अपनी प्रकृति के अनुसार पढ़े, जैसे जिसको आजकल हॉबी भी कहते हैं, तो जो कार्य है वो करेगा, जो उसकी हॉबी है, तो उसको अगर टीचर कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रही है कि बच्चे की समझ में नहीं आ रही, लेकिन मान लो बच्चे की म्यूजिकल इंटेलिजेंस आई है और उसको वो म्यूजिक वाला उदाहरण दे के पढ़ाए तो उसकी तुरंत समझ में आती है। तो इसमें ट्यूशन के लिए दो पार्ट हैं, एक तो कि हमारी शिक्षा पद्धति में जो ज़्यादा नंबर वाला बच्चा है ये समझा जाता है कि ये सबसे इंटेलिजेंट है। जैसे आइंस्टाइन जो था, जब वो पांचवी कक्षा में था तो उसको जूते के फीते बांधने नहीं आते थे। तो अगर विश्व के टॉप आप लोग देखें, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ सचिन तेंदुलकर का, जब वो 11 वर्ष के थे और सुबह 5 बजे प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनका कोच उनको क्या बनाना चाहता था, फास्ट बॉलर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के कोच लिली वहां आए
तो उन्होंने कहा कि यार तुम गलती कर रहे हो। तो ये तो बैट्समैन है। तो मान लो आप अपने बच्चे को क्रिकेट खेलने के लिए रोज भेज रहे हो और अकेडमी भेज रहे हो और पैसा खर्च कर रहे हो, लेकिन ना तो कोच ना आप ये जानना चाह रहे हो कि आपका बच्चा बैट्समैन बनेगा, अच्छा फील्डर बनेगा, अच्छा विकेट कीपर बनेगा या अच्छा बॉलर बनेगा। मान लो कि आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा। मैं आपको एक उदाहरण दूं अगर समय है तो। एक रेवाड़ी के अंदर, आप डिटेल में बताइए, रेवाड़ी के अंदर माँ बाप दोनों डॉक्टर थे और उनका एक छोटा हॉस्पिटल था, उनकी एक ही बिटिया थी। ये लगभग 10 साल पुरानी बात है। तो वो कहते, उन्होंने सोचा कि भाई हम अपनी बिटिया को भी डॉक्टर बनाते हैं और इसकी शादी डॉक्टर से कर देंगे तो इसको हॉस्पिटल को बड़ा करेंगे, ठीक है ना। तो बिटिया ने कहा चाहे कुछ हो जाए मुझे डॉक्टर नहीं बनना। और मुझे याद है कि 12वीं का एग्ज़ाम था तो वो चंडीगढ़ किसी काम से गए तो उनका कोई मित्र डॉक्टर था, उन्होंने कहा कि यार देखो बिटिया को समझाओ, ये मान ही नहीं रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, ऋषिपाल चौहान, आप फरीदाबाद जाइए। तो चंडीगढ़ से मुझे याद है वो सीधे मेरे पास आए, लगभग 4:30 बजे का शाम का समय था। तो हमने लड़की से बात की, हमने उसका टेस्ट किया जब वो नहीं मानी थी। तो हमने ये देखा कि ये लड़की तो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी है इसमें। तो मैंने उससे कहा कि बेटा अगर 150 डॉक्टर आपके नीचे काम कर रहे हो तो आप बिलीव नहीं करोगे। उसने कहा यस। तो बच्चा तो वही है ना। तो मैंने ये अंदाजा लगाया कि उनका नर्सिंग होम था और डिलीवरी रात के 1 बजे आ रही है तो उसकी माँ उठ के आती होगी, वो छोटी बच्ची होगी कभी, तो उसके माइंड में ये घुस गया कि यार ये डॉक्टर का जो प्रोफेशन है बेकार है, राइट। तो हमने कहा बेटा आप डॉक्टर बनो और आप एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर बनोगे, आप फिजिशियन नहीं बनोगे। या जैसे एक डॉक्टर था बल्लमगढ़ में, किडनी बेचता था, उसकी एंटरप्रेन्योर नेचर है लेकिन उसको बना दिया फिजिशियन ऑपरेशन करने के लिए। तो देख रहा है कि किडनी तो 30 लाख की बिकेगी, ऑपरेशन में मुझे 3 लाख मिलेंगे। तो ये प्रकृति के अनुसार बच्चे का प्रोफेशन और सब्जेक्ट चूज कराना ये ट्यूशन को खत्म करता है। क्योंकि दूसरी चलन हमारे देश में क्या है कि जिस सब्जेक्ट में बच्चे के कम नंबर हैं उसमें ट्यूशन लगाएंगे। तो मैं कहता हूं कि जब बच्चा कॉलेज पास करके बाहर आएगा तो वो अपने जीवन में प्रोफेशन वो चूज करेगा जिसमें सबसे अच्छा है या वो चूज करेगा जिसमें खराब है। तो आप कहेंगे ना जिसमें अच्छा है। तो जैसे अर्जुन को ट्यूशन आप आर्चरी में धनुष चलाने की अच्छा सिखाएंगे या गदा चलाने का ट्यूशन लगाएंगे, क्योंकि गदाधारी तो बनेगा नहीं। आप सचिन तेंदुलकर को बॉलर बनाने की कोचिंग देंगे क्या? नहीं देंगे ना। जैसे कि लता मंगेशकर, वो तो कभी स्कूल नहीं गई। तो भगवान ने उसको वो प्रोफेशन दे दिया जो प्रकृति ने, भगवान ने उसको दक्षता निपुणता दी है, तो वो विश्व की सबसे बड़ी गायक बन गई। तो यहां मेरा अभिभावकों से ये हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि बच्चे को ट्यूशन में मत धकेलिए, अपना धन व्यर्थ मत गंवाइए, नंबरों के पीछे मत जाइए। आपको संसार में कितने महान व्यक्ति मिलेंगे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस मिलेंगे, बड़े बड़े साइंटिस्ट मिलेंगे, इंजीनियर्स मिलेंगे, जो पढ़ाई में मीडियम थे। एक और उदाहरण देता हूं कि आईआईटी दिल्ली ने एक रिसर्च किया कि जो टॉपर्स थे और जो मीडियम थे, और इस प्रकार के बच्चे जो इधर पॉलिटिक्स में भी भाग ले रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी भाग ले रहे हैं और थोड़ा इधर शरारत करने में भी, यूनियनबाजी में भी, तो 10 साल के बाद जो टॉपर्स थे वो उन बच्चों के नीचे काम कर रहे थे जो हर चीज़ में भाग ले रहे थे, क्योंकि वो रिस्क ले सकते हैं, वो डिसीजन ले सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। तो हमेशा आप
बच्चा जिस सब्जेक्ट में कमजोर है उसकी ज्यादा चिंता मत करो, केवल इतनी चिंता करो कि वो पास हो रहा है उसमें, बाकी उसको उस चीज में बढ़ाओ जिसमें वो सबसे आगे है, सबसे बेस्ट है। तो इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं कि ट्यूशन की इतनी आवश्यकता नहीं होती जितना कि हम बच्चे पर प्रेशर देते हैं, वो अच्छे सब्जेक्ट में भी खराब हो जाता है और खराब में तो खराब होता ही है। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।